नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल समाचार भारतवर्ष पर, जहां गोविंद नगर में पारिवारिक विवाद में आया नया मोड़। आपको बता दें कि पारिवारिक विवाद में दो कुत्तों को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने लगाया चचेरे भाइयों पर आरोप, कुत्तों के मालिक ने थाने में दी तहरीर। 31 जनवरी को आरोपी घर में घुसकर तोड़फोड़ व चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई थी रिकॉर्ड। कानपुर से संवाददाता अजय शर्मा की रिपोर्ट। क्या लगता है आपको, 31 जनवरी को मेरे घर में तोड़फोड़ की गई है, मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया है, लूटने वाले की मारने की उसको पकड़ने की धारा ही नहीं बनती है। और जब वो सामने ही थाने में खड़े होके मुझे मेरे साथ जो है गाड़ी गलौज करी अपराधियों ने, कुत्तों को मेरे जहर दे के मार दिया गया है, क्योंकि कुत्ते काटने के लिए दौड़े होंगे या कुछ करेंगे, इसलिए इन्होंने जो है जहर दे दिया। कितना बढ़ावा मिल रहा है बताइए, हम कहाँ जाए, मेरी माँ है 60 साल की, यही हम घर में रहते हैं, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बताइए, जब आप घर पे आए तो किस अवस्था में ये आपका टॉमी जो खत्म हुआ? उल्टियाँ कर रहे थे ये लोग बराबर, और इसकी कल परसों से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन क्या उनके ऊपर मुकदमा चाहती हैं जिन लोगों ने ये हरकत की है? हाँ जी, मैं उनके ऊपर मुकदमा चाहती हूँ, मेरे कुत्ते खत्म करे उन्होंने, ये भी जीव है, इनकी भी जिंदगी है, उसको जो है एक जीव को की हत्या करी इन लोगों ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, मेरी जान मार के मुझे खतरा है, माँ मेरी बेटी मेरा भाई, हम तीनों लोग सुरक्षित नहीं है, मुझे प्रशासन से अपनी जो है सुरक्षा चाहिए।